नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंटरन्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया। इस साल 10वीं कक्षा में 99% 5.2% विद्यालय पास हुए। वही 12वीं कक्षा का रिजल्ट इस साल 97.88% रहा है। बोर्ड ने इस साल 10वीं और 12वीं कक्षा की मेरिट सूची जारी नहीं की। 10वीं और 12वीं के लिए इस साल कुल 56,03,813 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया था। 12वीं कक्षा के कुल 26,09,501 विद्यार्थी, उनमें से 25,54,813 विद्यार्थी हुए पास। 10वीं कक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। 10वीं में इस साल 99.52% लड़के और 99.55% लड़कियां पास हुई। 10वीं कक्षा में 29,96,031 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 29,82,055 पास हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के मोहनलालगंज में ओपन जिम का किया उद्घाटन। ये ओपन जिम निगोहा के उतरावा गांव में बने मिनी स्टेडियम के अंदर बनाया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महामारी से दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को सहायता राशि दी। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले 50 पत्रकारों के परिजनों को 10-10 लाख के चेक दिए। यूपी में कोरोना वायरस की चपेट में आकर बहुत से पत्रकारों की जान गंवानी पड़ी है। अपार संकट की इस घड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मानवीय पहल की। यमुना नदी में अथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने से सोनीपत में लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जलस्तर के कारण दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। देशभर में बाढ़ और बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच यमुना में जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन की ओर से बाढ़ की शंका जताई गई। बिजनौर में आफत की बारिश से लोगों का जीना हुआ मुश्किल। गंगा के कटान में लहलाती फसल हुई चौपट। किसानों की कई बीघा फसल गंगा में डूबी। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश से जहां लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, तो वहीं गंगा के कटान से खून पसीने की मेहनत की कमाई से लहलाती गन्ने और धान की फसल गंगा के कटान की वजह से गंगा में धराशयी हो गई। शामली में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद हथनी कुंड बैराज से 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद हरियाणा यूपी बॉर्डर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। आने वाले दिनों में यमुना का जलस्तर और बढ़ने की संभावना। मथुरा में हो रही लगातार बारिश से परेशानियां बढ़ती जा रही है। बारिश के चलते जगह जगह जलभराव के हालात पैदा हो गए हैं। मथुरा के थाना हाईवे में जलभराव ने पुलिसकर्मियों के काम करने में रुकावट पैदा कर दी है। मथुरा का पुलिस थाना हाईवे तालाब जैसा दिखाई दिया। बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। मिर्जापुर में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मेला क्षेत्र में पानी घुसने के कारण घाट पर लगी दुकानें बह गई। उन्नाव सदर तहसील क्षेत्र के सरोसी ब्लॉक एरिया में बदनी ड्रेन ओवरफ्लो होने से बनाया गया वैकल्पिक मार्ग कट गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हादसे के बाद ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर महिला के शव को दीवार के नीचे से बाहर निकाला। वहीं घायल किशोर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी की योगी सरकार शराब माफियों पर नरमी बरतने के मूड में नहीं। अवैध शराब के कारण बीते दिनों हुए कई घटनाओं को लेकर सरकार सख्ती के मूड में। सीएम योगी ने पुलिस को निर्देश दिया है कि प्रदेश में अवैध शराब बनाने क्रय विक्रय की एक भी घटना घटित ना हो। योगी ने पुलिस को अवैध शराब के ठिकानों पर छापा मारने को भी कहा। पूरी यूपी में कई दिनों से एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल चल रही है। ऐसे में प्रशासन की ओर से 108-102 एम्बुलेंस चालकों को ड्यूटी पर लौटने का मौका दिया गया। एम्बुलेंस कर्मियों को सेवा प्रदाता कंपनी ने पत्र के साथ ड्यूटी पर वापस आने को कहा है। उनका दावा है कि 50% जनपदों में कर्मचारी ड्यूटी पर लौट आए। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। वाराणसी में पीएम मोदी के बाद अब गृहमंत्री अमित शाह भी यूपी पहुंचे। 1 अगस्त को अमित शाह मिर्जापुर में आएंगे।
अमित शाह मिर्जापुर में 117 परियोजनाओं को लोकार्पण करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 1 अगस्त को विंध्य कॉरिडोर के शिलान्यास के बाद गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुहरिया में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। कॉलेज के शिलान्यास के बाद अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर जीआईजी मैदान पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। वाटरप्रूफ हैंगर बनाया गया है ताकि कार्यक्रम में कोई परेशानी ना हो। 1 अगस्त में गृहमंत्री अमित शाह लखनऊ आकर फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। ये इंस्टीट्यूट सरोजनी नगर के पिपस्वंड इलाके में बनाया जा रहा है। गुना में 2 बाइक सवार आमने सामने से भिड़ गए, जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इटावा में मिट्टी की दीवार के नीचे दबकर एक महिला की दर्दनाक मौत, जबकि 13 साल का लड़का गंभीर रूप से घायल। संभल में सट्टे की दुकानें खुलेआम चल रही है। यहां रोज लाखों रुपए के सट्टे के नंबर खिलवाए जाते हैं। खबरों की माने तो स्थानीय पुलिस की मिली भगत से ही फल फूल रहा है सट्टेबाजों का काम। संभल में एक युवक पर भीख मांगने वाले एक युवती के साथ अश्लील बात करने का आरोप लगाया गया। हालांकि युवती ने मौके से ही साइकिल सवार मंचूले की पिटाई कर दी। अलीगढ़ में 3 तलाक मामला आया सामने। दहेज लोभी पति ने पत्नी को दिया तलाक, पति का आरोप, पति ने की पिटाई। वही परिजनों का आरोप है कि पति उसे कई बार मारपीट कर चुका है। परिजनों ने थाने में दी तहरीर। दोनों की 5 मार्च को हुई थी शादी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 लाख रुपए के इनामी वांछित गैंगस्टर काला जठेड़ी को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि हत्या की कोशिश और जबरन उकाई जैसे मामलों में वांछित था। सड़क कट जाने से ग्रामीण और आगरी तेज रफ्तार से बहते हुए पानी को पार करने में मजबूर, जिसकी वजह से लोगों के फिसलने और बहने का डर बना हुआ है। वहीं पूरे मामले पर एसडीएम सदर सत्यप्रिय सिंह का कहना है कि विकल्प के तौर पर दूसरा रास्ता चुने। लखनऊ में चौकी के अंदर ही दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्ष बाइक की टक्कर के बाद रिपोर्ट लिखवाने आए थे। पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट का मामला मोहनलालगंज का है, जहां कुजोली चौकी में मारपीट करने के कारण पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बिजनौर में महिला जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर और नर्स की लापरवाही देखने को मिली है। यहां प्रसव कराने आई गर्भवती महिला घंटों जमीन पर बैठकर इंतजार करती रही। महिला को काफी देर तक भर्ती नहीं किया गया, वहीं बाद में बिना जांच किए ही उसे खून की कमी की वजह से कहीं और जाने के लिए कह दिया गया। गाजियाबाद में राह चलती महिलाओं से मोबाइल फोन लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया, वहीं उसका साथी भागने में कामयाब रहा। दरअसल बदमाश राहुल और उसके साथी किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। राहुल पर लूट और स्नैचिंग के कई मुकदमे दर्ज हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा मारपीट परिषद का 2021 वर्ष का परीक्षा परिणाम शनिवार को जारी हो गया है। विद्यालय शिक्षा मंत्री प्रदेश में हाईस्कूल का परीक्षाफल 99.09% रहा है। हाईस्कूल में लड़कियों का रिजल्ट 98.86%। हाईस्कूल में कुल 14,07,725 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इंटरमीडिएट का परीक्षा फल 99.5% रहा। इंटरमीडिएट में कुल 12,01,704 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। सभी छात्र छात्राएं अपना परीक्षा परिणाम परिषद की वेबसाइट www.ubsc में सर्च किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र सौंपे। उत्तराखंड में 16,472 लाभार्थियों को दिए गए आवास स्वीकृति पत्र। सीएम ने आवास बनने के बाद हर लाभार्थी को सामान आदि के लिए 5,000 रूपए देने की घोषणा की। सीएम कैंप कार्यालय परिसर स्थित जनता दर्शन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लाभार्थियों को प्रथम किस्त की राशि डीबीटी द्वारा ऑनलाइन दी है। सरकार ने राज्य में चौपट पड़े पर्यटन को देखते हुए बाहर से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर जांच की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्यों के पर्यटन को देखते हुए अब आरटीपीसीआर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, जिससे बाहर से आने वाले लोग लंबी कतारों में न लगकर सीधे राज्य में प्रवेश कर सके। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के शुरू होने पर संशय के बादल घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल इस मामले में हाईकोर्ट नैनीताल ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ सहित चारधाम यात्रा पर पूर्व में लगाई रोक के आदेश को 18 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वो रोक तब तक जारी रहेगी जब तक इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश जारी नहीं होगा। उत्तराखंड में सशस्त्र भू कानून की मांग उठने लगी है और अब इस मामले पर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। राज्य की जनता पड़ोसी राज्य हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सशक्त भू कानून चाहती है। बीजेपी भू कानून को लेकर जहां अपनी सरकार की तारीफ कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस मामले पर राज्य की बीजेपी सरकार को घेर रही है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल का बयान, भू कानून को लेकर सरकार पर बोला हमला, भू कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। पौड़ी विधानसभा के कलजीकाल विकासखंड में विधायक मुकेश कोहली का क्षेत्र जनता द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि वर्तमान विधायक मुकेश कोहली आजकल अपनी विधानसभा में भ्रमण पर कार्यकर्ता और क्षेत्र जनता की समस्याओं को त्वरित समाधान कर रहे हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के गांव सिरो भी जाना हुआ, जहां पर स्थानीय लोगों द्वारा क्षेत्र विधायक का स्वागत किया गया। रुड़की के किशनपुर गांव के निवासी 4 बच्चों फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिनकी हालत बिगड़ने पर पड़ोसियों के द्वारा रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल किशनपुर गांव निवासी एक परिवार के 4 बच्चों ने पड़ोस की दुकान में चाय बनाने के लिए चीनी मंगाई थी, जिसके बाद उन्होंने चाय बनाकर पी ली। चाय पीने के बाद 4 बच्चों को पेट में जलन हुई, जिसके बाद पड़ोसियों के द्वारा उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। फिलहाल सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग में लगे वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। वैक्सीन लगवाने के लिए भारी मात्रा में भीड़ जुटी हुई थी, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही मास्क का प्रयोग किया गया। बाजपुर के रामभवन धर्मशाला में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा न होने के चलते हुए लोगों को ही वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर आने दिया गया। वहीं डॉक्टर आराधना वर्मा ने बताया कि 230 लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध थी, ऐसे में भारी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे थे। रुद्रप्रयाग नगरपालिका की भूमि पर मुख्य बाजार में इन दिनों 4 दुकानों का निर्माण हो रखा है, लेकिन इन दुकानों के मालिक कौन है इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही है। रुद्रप्रयाग में इस बार अवैध निर्माण कार्य को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आरोप है कि पालिका द्वारा बिना टेंडर किए ही 4 दुकानों का निर्माण कर दिया गया। पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार के डाटपुल के पास तूना बोटा मोटर मार्ग के शुरुआत में हाल ही में 4 दुकानों का निर्माण हुआ। उत्तरकाशी बड़कोट से पुलिस और आमजनों की बहस का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में पुलिस पर वर्दी का ध्वज दिखाने और अपशब्दों का प्रयोग करने का आरोप।
चमोली में बारिश से दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ नाले में हाईवे क्षतिग्रस्त होने से आम नागरिकों के साथ सेना भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने 2019 बैच के आईपीएस प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत की। पीएम ने एक एक कर सभी अधिकारियों से बात करते हुए देश में पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में उचित काम करने की बात कही। पीएम मोदी ने वर्चुअली सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षुओं को अधिकारियों को संबोधित किया। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि बीते सालों में पुलिस फोर्स में बेटियों की भागीदारी को बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया गया। हमारी बेटियां पुलिस सेवा में दक्षता और जवाबदेही के साथ विनम्रता सहजता और संवेदनशीलता के मूल्यों को सशक्त करती है। पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे पुलिसकर्मियों ने देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इस प्रयास में कई पुलिसकर्मियों को अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी। भारत के साथ होम स्ट्रेट सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका। उसके स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार रात इसकी जानकारी दी। इंग्लैंड और भारत के बीच 4 अगस्त से टेस्ट सीरीज खेली जानी है। भारत की महिला डिस्क थ्रो एथलीट कमलप्रीत कौर ने महिलाओं की चक्का फेंक स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वर्ल्ड नंबर वन बॉक्सर अमित पंघल प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गए हैं। उन्हें कोलंबिया के यूबेर्जन रिवास ने 4-1 से हराया। तीरंदाजी में भी अतनु दास को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें जापान के ताहाकारू फुरकावा ने 6-4 से हराया है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के थ्रो स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया। उसने पुले के अपने आखिरी मैच में जापान को 5-3 से हराया। भारत की चौथी जीते उसने स्पेन न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना को भी मात दी है। बुधवार को होगा लवलीना का अगला मैच। 69 किलो वेल्टरवेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन तुर्की के खिलाड़ी भिड़ेंगी लवलीना से। अक्षय कुमार ने बेल बॉटम की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है। अब यह फिल्म 19 अगस्त को आएगी। पहले 27 जुलाई को रिलीज होने वाली थी ये फिल्म। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम 14 जनवरी को थिएटर्स में आएंगे। निर्माताओं ने प्रभास का एक नया पोस्टर रिवील किया। मंदिरा बेदी ने राज कौशल की 1 मंथ एनिवर्सरी पर एक पूजा रखी थी। मंदिरा बेदी ने पूजा की एक झलक साझा की है। सुपर डांसर 4 के मेकर्स राज कुंद्रा पॉर्न फिल्म विवाद के बीच शिल्पा शेट्टी को रिप्लेस करना चाहते हैं, लेकिन रवीना टंडन ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही शिल्पा शेट्टी ने शूट को छोड़ दिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों पति विराट कोहली और बेटी वामिका के साथ इंग्लैंड में वैकेशन एंजॉय कर रही है। इस वैकेशन में उन्हें टीम इंडिया के क्रिकेटरों और उनके पार्टनर्स का भी साथ मिला।